केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अभी हमें पता है कि एल्केन में सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, ऑल बॉन्ड्स आर द सिग्मा बॉन्ड्स एंड दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। अभी जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड सेकेंड इज एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अब नॉन पोलर भी है, बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई दीज आर लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करती हूँ तो एल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव है। वाई? ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा एंड अनदर इज ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर, दैट्स वाई दीज आर नोन एज व्हाट? पैराफिन, राइट। मैंने पहले भी बताया था, दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पैराफिन्स। इट मीन्स द मॉलिक्यूल्स विच शो लेस रिएक्टिविटी, वेरी वेरी लेस रिएक्टिविटी, लेस एफिनिटी टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, नोन एज पैराफिन्स। तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कवर करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बात करेंगे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन की। देन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में हमें बात करना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंबशन, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन, दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो नोन एज कंबशन। हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की भी बात करने वाले हैं, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन की भी बात करने वाले हैं, देन आइसोमराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। हम इन सब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। वी ऑल नो दैट सब्स्टिट्यूट कर देना। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट क्या होगा? हाइड्रोजन एटम, इफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूट बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मीन सब्स्टिट्यूट। एंड व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूट? जिस भी अटैक, जो भी अटैकिंग रिएजेंट होगा, और किसे सब्स्टिट्यूट करेगा? हाइड्रोजन एटम्स को। तो यहाँ पर क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूटेड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले कवर करते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, इसका मतलब रिएक्शन हैलोजन से होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है हैलोजिनेशन के लिए? फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। विद फ्लोरीन रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोसिव, मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि रिएक्शन कंटेनर ब्लास्ट होने हो सकता है। दैट्स वाई फ्लोरिनेशन इज नॉट डन इन लैबोरेटरी और इन जनरल कंडीशंस। तो हम क्या बात करने वाले हैं क्लोरिनेशन की? तो स्टार्ट करते हैं क्लोरिनेशन से। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एट हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 600 केल्विन, क्लोरिनेशन विल टेक्स प्लेस। एल्केन में हाइड्रोजन वन बाय वन सब्स्टिट्यूट होते जाते हैं क्लोरीन से और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। इफेक्टिव एग्जांपल ऑफ मीथेन, अगर मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और 600 केल्विन अप्रॉक्स टेम्परेचर पर, देन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन एंड गिव्स आउट क्लोरोमीथेन एज द प्रोडक्ट। नाउ क्लोरोमीथेन फर्दर react with chlorine molecule in same conditions to gives out dichloromethane, and dichloromethane further gives out trichloromethane and finally it gives out tetrachloromethane। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि एल्केन में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स थे वो सभी क्लोरीन के थ्रू सब्स्टिट्यूट हुए और प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना, इट इज क्लोरिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप इज द इनिशिएशन, देन प्रोपगेशन एंड देन टर्मिनेशन। तो क्या ध्यान रखना है, क्लोरिनेशन मैकेनिज्म इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। इन इनिशिएशन व्हाट हैपेंस, क्लोरीन एंड क्लोरीन के मिड सिंगल बॉन्ड है और यहां पर होमोलिटिक फिजन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्या बन जाता है,
रेड रेडिकल, एक इंटरमीडिएट बना है, दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज क्लोरीन फ्री रेडिकल. नाउ दिस फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ द एल्केन. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग मीथेन. नेक्स्ट स्टेप इज प्रोपेगेशन एंड इट इज टू स्टेप प्रोसेस. इन फर्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, देखिए यहां पर मीथेन है, मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन इनकी पोलारिटी डिफरेंस ना होने की वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिजन होगा. अब होमोलिटिक फिजन ओपन हो जाए, पहली बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल एक्सियल बना लेते हैं और क्या बन जाता है, CH3 फ्री रेडिकल इस तरह से. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, द CH3 फ्री रेडिकल फर्दर अटैक्ड बाय द अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल. अब इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल में होमोलिटिक फिजन. नाउ Cl फ्री रेडिकल विल अटैक दिस मिथाइल फ्री रेडिकल टू गिव्स आउट क्लोरोमीथेन. तो इस तरह से हमें यहाँ पहला प्रोडक्ट मिला क्लोरोमीथेन. And this reaction will continue, all the hydrogen replaced by the chlorine atom and finally tetrachloromethane is formed. तो पहला step initiation, initiation में chlorine में homolytic fission जिससे बन रहा है chlorine free radical. Second is propagation, two steps होते हैं जिसमें free radical का attack होगा, free radical की presence में alkane में भी homolytic fission होगा और alkyl free radical बना. Then next alkyl free radical की प्रेजेंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक फिजन होने के साथ साथ रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, हेलो एल्केन बन रहा है. एंड नेक्स्ट इज द टर्मिनेशन स्टेप. टर्मिनेशन स्टेप इज व्हाट, थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन. इन टर्मिनेशन स्टेप एनी टू फ्री रेडिकल्स, लेट सपोज H फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट. ऐसे ही मिथाइल फ्री रेडिकल बना, दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल बना, दे कंबाइन टू गिव ईथेन. ऑल दीज आर द साइड प्रोडक्ट्स. तो ये कहलाता है टर्मिनेशन स्टेप. तो हम कह सकते हैं हैलोजिनेशन के लिए मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ध्यान रखना है. Free radical mechanism takes place in three steps. First is the initiation, second is propagation, third is termination. अब बात करते हैं next reaction की. This is nitration reaction. This is nitration. Nitration का मतलब क्या होगा? Replacement of hydrogen atom by nitro group. यहाँ पर किससे replacement होगा? Nitro group से. This is known as nitration. अब क्या होता है? जब fuming HNO3 की reaction कराई जाए एल्केन से एट अप्रॉक्स 427 to 673 कार्बन टेम्परेचर, तब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं. इन दिस केस नॉट ओनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आल्सो ब्रेक. जैसे एग्जांपल लेते हैं इथेन. अगर इथेन का रिएक्शन फ्यूमिंग HNO3 के साथ कराया जाता है एट 427 to 673 कैल्विन टेम्परेचर, देन दिस बॉन्ड कैन बी ब्रेक एंड दिस कैन ऑल्सो बी ब्रेक. अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तब बनता है नाइट्रो इथेन. इट इज नाइट्रो इथेन. और अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है तब बनता है नाइट्रो मीथेन. So two different types of products are formed in case of ethane by the breaking of the carbon-hydrogen bond and by breaking of the carbon-carbon bond. If I take example of propane, अब carbon of carbon-carbon bond break होने पर दो products बन सकते हैं. एक तो nitromethane बन सकता है और nitroethane बन सकता है. देखिए अगर ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक बनता है नाइट्रोमीथेन एंड नाइट्रोइथेन. अब पॉसिबिलिटी है कि कार्बन और हाइड्रोजन दिस बॉन्ड ब्रेक, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तब बनता है नाइट्रोप्रोपेन. ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी है
पॉसिबिलिटी क्या है इफ दिस बॉन्ड ब्रेक बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तब प्रोडक्ट बनेगा 2-नाइट्रोप्रोपीन। इन दिस केस, इन केस ऑफ प्रोपेन आई एम सीइंग दैट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो नाइट्रेशन के केस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बाय द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें शो करते हुए प्रोडक्ट्स बनाना है। अब बात करते हैं सल्फोनेशन। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। इन केस ऑफ सल्फोनेशन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज SO3H4। अब कंडीशंस क्या हैं? फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में हाई टेंपरेचर पर सल्फोनेशन होगा। अब एल्केन्स ब्रांच्ड चेन है, ब्रांच्ड है या फिर लॉन्गर चेन है, उस केस में सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। लॉन्गर चेन का मतलब इट मे बी कार्बन एटम मस्ट बी 6 और मोर देन 6। इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 2-methylpropane, इट इज 2-methylpropane, इट ऑन रिएक्शन विद फ्यूमिंग H2SO4 एट 675 केल्विन टू 725 केल्विन इट गिव्स आउट प्रोडक्ट दिस वन। इट इज 2-methylpropane 2-sulfonic acid, मैं नेम लिख देती हूँ 2-methylpropane 2-sulfonic acid। Why sulfonation takes place this carbon? Now look at the condition of this carbon. This is 3-degree carbon atom. In case of branched molecule, what is the reactivity order? 3-degree, 2-degree and 1-degree. मतलब 3-degree carbon पर sulfonation पहले होगा, then 2-degree and then 1-degree. अगर यहाँ 3-degree carbon available है तो sulfonation 3-degree carbon पर हुआ और product बना 2-methylpropane 2-sulfonic acid. अगर यही पर hexane होता हेक्सेन ऑन सल्फोनेशन गिव्स आउट हेक्सेन 1-sulfonic acid। तो ये था सल्फोनेशन रिएक्शन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं कंबशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं कंबशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिसमें एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विपल्स बनते हैं। लेट सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ मीथेन। मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर, इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, नाउ बैलेंसिंग ऑफ द ऑक्सीजन। This is balanced reaction and it is the complete oxidation. On complete oxidation of hydrocarbon products are carbon dioxide and water vapors. But agar yahi baat ho incomplete oxidation, incomplete oxidation ka matlab there is limited supply of the air or limited supply of the oxygen. In this case carbon monoxide or carbon black is formed. Look at this, let's suppose CH4 on reaction with oxygen. When oxygen is present in limited amount, then it gives out carbon monoxide along with water vapors. ठीक है, बैलेंस किया जाए रिएक्शन को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं, कार्बन दिस वन हाइड्रोजन, नाउ ऑक्सीजन। Now it is balanced reaction for the incomplete oxidation when product is carbon monoxide. Further, it can also give carbon black along with water vapors. Further, say a balanced किया जाए reaction. This is balanced reaction when after the incomplete oxidation carbon black is formed. तो ये था भी complete oxidation, incomplete oxidation. Now catalytic oxidation. Next is catalytic oxidation. जब मीथेन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है कॉपर ट्यूब से पास करते हैं 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तब प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल मीथेनॉल। लेकिन अगर मीथेन का ही ऑक्सीडेशन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड अंडर प्रेशर हीट किया जाए तब बनता है एल्डिहाइड मीथेनॉल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का पर्पस क्या है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पर्पस इज टू फाइंड आउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स
एंड दीज प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडीशंस कि हम कंडीशंस क्या अप्लाई कर रहे हैं. ऐसे ही एल्केन और ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड गिव्स एसिड. लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इथेन. इथेन ऑन सिल्वर ऑन ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड गिव्स इथेनोइक एसिड. फर्दर कंडीशन चेंज प्रोडक्ट चेंज. हमें पता है कि एल्केन्स नॉन पोलर है, लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी 3 डिग्री हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल. लेट सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 2-methyl propane. 2-methyl propane ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स आउट तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि KMnO4 K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जिनका ऑक्सीडेशन मतलब एल्केन का इनका ऑक्सीडेशन इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन का कोई इफेक्ट नहीं है. पर फिर भी 3 डिग्री अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर कार्बन पर 3 डिग्री है, कार्बन 3 डिग्री है और हाइड्रोजन भी 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो सकता है एल्कोहल में. तो ये था कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन. अब बात करते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन. रिएक्शन आइसोमराइजेशन का मतलब होता है आइसोमर्स में कन्वर्ट होना. एनहाइड्रीन जब एनहाइड्रस एल्सीएफ3 के साथ ट्रीट किया जाता है अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस तब ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाता है. इट्स मीन देयर आइसोमर्स विल बी फॉर्म. अगर मैं बात करती हूँ ब्यूटेन एंड ब्यूटेन एंड ब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विद एनहाइड्रस एल्सीएफ3 एट अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स आउट 2-methyl propane. It means ambutene and 2-methyl propane, these are isomers. That's why I am saying that it is isomerization reaction. Conditions apply करते हुए an alkane का branch chain में convert होना ही कहलाता है isomerization reaction. अब last cover करते हैं aromatization reaction. Next is aromatization reaction. Aromatization reaction means what? Alkane to aromatic compound conversion. इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट किए जाएं कि एल्केन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएं. तो देखिए क्या होता है. एन एल्केन एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 10-20 एटमॉस्फेयर प्रेशर कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. बट कंडीशंस इन टेम्परेचर प्रेशर के साथ साथ कैटलिस्ट भी हैं. कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम वेनेडियम एंड मॉलिब्डेनम विच आर सपोर्टेड ओवर एलुमिना. Then an alkane will converted into the aromatic hydrocarbon. सब an alkane के लिए भी ये नहीं है कि हम methane ethane से बना सकते हैं aromatic hydrocarbon. Carbon must be 6 carbon और 6, 7 or 8 carbon length chain. मैंने यह लिया हुआ anhexane. Anhexane under these condition means under these oxide presence of these oxide which are supported over alumina and temperature and pressure range falsely gives out cyclohexane. Which on dehydrogenation gives out benzene. इसका मतलब कुछ conditions में anhexane benzene में convert हुआ. Anhexane is saturated hydrocarbon chain which converted into aromatic compound. Such reaction is known as aromatization reaction. अगर anhexane की जगह यही anheptane लिया जाए it gives out firstly methyl cyclohexane which on dehydrogenation gives out toluene. Which is further aromatic compound. अगर यहीं पर मैं एनहेक्सेन की जगह एन ऑक्टेन ले लेती हूँ या एन ऑक्टेन ले लेते हैं then what will happen? Then combination of ortho, meta and para xylene will be formed. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप्स हो, मेटा पोजीशन पर CH3 ग्रुप्स हो, पैरा पोजीशंस पर CH3 ग्रुप्स हो. तो हम कह सकते हैं ऑर्थो ज़ाइलीन, मेटा ज़ाइलीन एंड पैरा ज़ाइलीन दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ऑफ द एन ऑक्टेन. तो अभी हमने डिस्कशन किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन. अब एल्केन के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन.